अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सोशल मीडिया सूचनाओं के लिए जितना मुफीद है उतना ही अफवाहों के लिए बदनाम भी है। आए दिन किसी न किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी या फिर अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिससे कई बार माहौल तनावपूर्ण बन जाता है। अभी दो दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह की खराब सेहत को लेकर अफवाहें चल रही थीं और अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को लेकर बाराबंकी में एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद सपाइयों का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। दरअसल नेताजी मुलायम सिंह यादव को दो दिन पहले खराब सेहत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ऐसे में बाराबंकी में एक युवक ने सोशल मीडिया पर जहां उनकी सेहत को लेकर अनाप शनाप लिखा, वहीं उनके खिलाफ बेहद अशोभनीय शब्दों का भी प्रयोग किया, जिसके बाद सपा नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और इससे नाराज सपाइयों ने नगर कोतवाली और मोहम्मदपुर खाला कोतवाली में तहरीर दी। नगर कोतवाली में सदर विधानसभा अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि ऐसी टिप्पणी की गई जिसे वो अपने मुंह से दोहरा भी नहीं सकते। इससे सपा कार्यकर्ताओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है, इसीलिए रिपोर्ट दर्ज करवाने की तहरीर दी गई है। वहीं मामले में आरोपी युवक ने माफी तो मांग ली, लेकिन सपाइयों का विरोध लगातार जारी है और सपा समर्थकों का कहना है कि जो अपराध आरोपी ने किया है वो अक्षम्य है। बाराबंकी के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी सपा नेताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, वर्तमान में सांसद मुलायम सिंह यादव जो कि आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा की गई टिप्पणी से समाजवादी पार्टी के समर्थक बुरी तरीके से आहत हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और एसपी से मिलकर टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। तनवीर खान ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को देश की जनता ने धरती पुत्र, रफीकुल मुल्क आदि तमाम सम्मानजनक संबोधनों से नवाजा है। राजनीति में एक अलग पहचान है, देश और विदेशों में उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। नेताजी को लेकर की गई टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तनवीर खान ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश में अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी लंबी उम्र की दुआएं की जा रही हैं और दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व लगातार गलत टिप्पणियां कर रहे हैं जो बेहद निंदनीय है। मामले में सपा समर्थकों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है और आरोपी की माफी के मांगने के बाद भी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।